नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी, संगीत भोजपुरी से। और आज हम लोग हैं, एक बहुत प्यारी फिल्म आ रही है और एकदम साफ सुथरी फिल्म आ रही है, क्योंकि बहुत कम होता है कि भोजपुरी में साफ सुथरी फिल्म आती है। और यही एक मुद्दा बना हुआ है आज के टाइम पे कि लोगों पे अटैक भी हो रहा है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। और जो फिल्म आ रही है उसका नाम है गंगा समागली सागर में, जिसको एक फीमेल, बहुत कम मुझे जहाँ तक पता है बहुत कम लोग फीमेल हैं जो भोजपुरी में फिल्में बना रही हैं। और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एज अ निर्देशक जो आप जो बने। कैसा अनुभव रहा है, कैसे आपने ये शुरुआत किया जो फिल्म है गंगा समागली सागर का, आपसे पूछेंगे। आयुषी नाम है इनका, नहीं आप बताइए आयुषी, हम पकड़ेंगे, आप बताइए। कॉन्सेप्ट राजेश जी का है, राजेश जी मुझसे मिले, देन उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर क्लीन है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें बनाना चाहिए ये मूवी। देन राजेश जी और मैंने प्लान किया और बस देख रहे हैं आप, अब आने वाली है मूवी। अच्छा राजेश जी, मतलब पता नहीं है, मैं आपके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि कैसे आपने आपने प्रोड्यूस भी किया इस फिल्म को, आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, तो कैसे आपने अपने पारी की जो शुरुआत की वो हम जानना चाहें। सर सबसे पहले मैं संगीत भजपुरिया को नमस्ते करता हूं और प्रणाम करता हूं कि मैं आज मुझे यहां तक आने का मौका मिला इस चैनल के थ्रू, आज मुझे कुछ लोग देखेंगे भी तो इस चैनल के थ्रू, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ संगीत भजपुरिया को। अब रह गया सर ये सफ़र में आने में। सर इंसान कोई भी वर्क करता है तो सबसे पहले उसमें अच्छाई तो बहुत कम दिखती है, लेकिन बुराई लोग देखने वाले बहुत हो जाते हैं। मैंने भी जब इस फिल्म का शुरुआत किया था तो लाखों परेशानी आई, लाखों कठिनाई आई, लोग बहुत किस्म के बात बोलने लगे कि तुम इतनी साफ सुथरी मूवी बना रहे हो, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक ही जवाब दिया, रिस्पॉन्स तो ऊपर वाले के हाथ में है, मुझे वर्क करना है। राजेश जी, पहली बार एक फीमेल जो है फिल्म, पहली बार मेरे ख्याल से तो पहली बार, कोई और होगा तो माफ़ करिएगा, पहली बार फिल्म जो डायरेक्ट करी एक लेडीज़, कितना कॉन्फिडेंस था आपको कि ये फिल्म कर लेंगी? एक्चुअल सर जब मैं मुंबई में एंट्री किया था तो उस समय मेरा भी सोच ये था कि मैं कुछ अलग करूं। तो जब यहाँ पर आया था तो मैं किसी ऑफिस में गया हुआ था जहाँ पर मुझे मैम से मुलाकात हुआ, आयुषी जी से, तो ऐसे ही बात हो रही थी तो बात में मैंने अपना भी कंसेप्ट सुनाया कि मेरे पास ये कंसेप्ट है। तो सर कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे कभी कभी लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं जो काम करूं वो मार्केट के लोग को लेके ही करूं, लेकिन मेरा ये सब सोच नहीं है, ये सपना नहीं है, मैं वो काम करता हूं जो लोग नहीं किए हों। आयुषी जी के सामने जब मैंने कहानी रखा तो इन्होंने बोला कि मैं आपके साथ काम करूँगी। मैं बोला, तो फिर मैं पूछा इनसे कि आपको भोजपुरी आती है, क्योंकि भोजपुरी कंसेप्ट तो बहुत हटके होता है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी बीच में दो चार पाँच दिन मैंने कंसेप्ट इनको समझाया कैसे करना है, इन्होंने मेरा साथ दिया और ये लड़की मुझे इतना साथ दी कि मुझे कोई भी काम करने में ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं अकेला हूँ इस फिल्म में, जितना का भागीदार मेरा है सर उससे कई गुना ज़्यादा इनका है। अच्छा आयुषी, आपने कभी किसी को असिस्ट किया है इंडस्ट्री में, आपके बारे में जानना चाहिए? नहीं, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया है अभी तक, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ डायरेक्टर, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से करूँ, बाकी तो अब देखेंगे लोग। मतलब बिना किसी के साथ असिस्ट के, भाई जितने भी डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, एक बार आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों की छुट्टी होने वाली है। ये इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने देखा है ट्रेलर, बहुत प्यारा ट्रेलर है, और इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है तो आप लोगों की तो छुट्टी होने वाली है, देख लीजिए आप छुट्टी करने वाली हैं। अच्छा लग रहा है, अभी फिल्म रिलीज़ पे है, आज ट्रेलर भी मेरे ख्याल से एक दो दिन, मैंने तो देख लिया ट्रेलर, लेकिन एक दो दिन में यशी म्यूजिक से आने वाला है, सब लोग क्या कहेंगे, कितना उत्सुक हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत डर भी लग रहा, नर्वस भी हूँ कि पता नहीं क्या होगा आगे, एक फर्स्ट टाइम है कि डायरेक्शन दिया है मैंने, और थोड़ा डर लग रहा है मन में कि कैसा क्या होगा, अब देखते हैं, बाकी तो पब्लिक के हाथ में है कि
कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे रिटर्न। अच्छा तारा के भोजपुरी तो आवेला ना तो की तरह फिल्म बनैलू हा, कितना कठिनाई भइल होई, डायलॉग के तरह समझत रहलू हा कि डायलॉग ठीक बोलत हवन ना बोलत हवन। एक्चुअल सर मैं यहाँ पे कुछ काटना चाहता हूँ, जब ये लड़की को मैंने इस लाइन में लाया मतलब इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए ये माने नहीं रखता है कि मैं हिंदी करूँ या भोजपुरी करूँ या मराठी करूँ। इस लड़की को मैंने साथ दिया सर, और कंसेप्ट वाइज मैंने हर चीज़ समझाया, क्योंकि सर मैं हर चीज़ में इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस कार्य को करूँ उसमें मैं अपना टोटल काम में समझ लेता हूँ मुझे करना क्या है। मतलब एक डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और एक एज ए हीरो भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ। लेकिन आज मैं जो भी हूँ इस बच्ची का देना है। मैंने इसको थोड़ा सा भोजपुरी का कंसेप्ट समझाया सर, इसने पूरा छाप दिया। अच्छा राजेश भाई, जानना चाहेंगे आप सिंगर भी हैं तो आप किसी से प्रेरित होके सिंगर बने थे या कैसे? सर ये तो मतलब बचपन से ही है सर, माता रानी का दया है कि ये मैं कभी नहीं सीखा भी नहीं हूँ, और बचपन से ही गाते आया हूँ, और आज भी मतलब वैसा ही है जैसा कल था गला, आज भी वैसा ही है। लेकिन अब मुझे गाने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं गाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसे गुनगुना लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे गुनगुनाना। तो अभी आपकी जो फिल्म आ रही है उसमें सब गाने आपने गाए हैं या किसी और ने गाए हैं? थोड़ा म्यूज़िक के बारे में जानना चाहेंगे आपकी फिल्म, और बाकी के कलाकार कौन कौन से हैं वो भी। सर इस फिल्म में मैंने एक भी अपना सॉन्ग नहीं गाया है, क्योंकि हमारे लिए ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट था सर। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कहीं एक मेरे गाने से यदि हमारी फिल्म का करियर हमारा ख़त्म हो जाए, हम प्रॉपर हमारी फिल्म का जो मैं संदेश देना चाहता हूँ लोगों तक, इसमें एक सर सॉन्ग है जो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, बेटा और बेटी, बेटी और माँ को लेकर एक सॉन्ग है। बेटा के भैला पे बाजे लथरिया, बेटी के बेरी काहे होला मुँह करिया, बेटी हो कैसन भागे तोहार। ये जो मेरा कंसेप्ट है सर, ये सॉन्ग है, इसमें हमारी पूरी कहानी सिर्फ इस गाने के अंदर छपी हुई है। तो इस टाइम जो चल रहा है, जो मार्केट, जैसे राजेश भाई बात करेंगे, मार्केट में जिस तरफ चारों तरफ चल रहा है खेसारी खेसारी खेसारी, या पवन पवन पवन, या निरहू, उस टाइम पे मतलब इस समय कितना मुश्किल है अपने आप को स्टैंड करना? सर मैं तो शुरू से एक ही चीज़ देखते आया हूँ कि मैं कभी अपने आप को ये नहीं सोचता हूँ कि कल क्या होगा, और वर्क करने वालों के लिए तो मंजिल बहुत आसान होती है सर, सिर्फ यदि मेहनत लगन हो तो। मैंने मेहनत किया है, लगन किया है सर, और मुझे अपने आप पे आत्मविश्वास है, और सर आप लोगों पे आत्मविश्वास है कि, और हमारे पूरी पब्लिक पे भरोसा है कि कल चलकर, अभी मैं हॉल की बात करता हूँ, मुझे, मैं हमेशा न्यूज़ में सुनते रहता हूँ कि आज की डेट में कोई भी माँ बहन हॉल में नहीं जाती हैं फिल्म देखने। मेरे फिल्म का कंसेप्ट है गंगा समा गई सागर में, गंगा बक्सर में है, सागर मुंबई में है, मैं सिर्फ इन दोनों का मिलन करवा रहा हूँ कि कल चलकर मेरी माँ यदि हॉल में भी चल जाए तो उसको सागर का मिलन हो जाए। अच्छा राजेश भाई, आपके मन में कब आया जो अश्लीलता के जो जनक हैं आपके हिसाब से कौन लोग हैं जिन्होंने अश्लीलता फैला के रखी हुई है? सर मैं तो पहले, सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सर, क्योंकि मैं कोई जातिवाद या किसी धर्म को लेकर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, कल चलकर ये भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सर मैं हर समय ऐसा ही फिल्म बनाऊं जो मार्केट मांग रही है। लेकिन हाँ सर, अश्लीलता को ख़त्म करना हम सबका काम है, क्योंकि हम ही लोगों ने पैदा किया है, तो इसको ख़त्म करना भी हम ही लोगों का काम है। आज भी हमारे घर में भोजपुरी मूवी चलती है, जब कोई गाना आता है तो, या कोई ऐसा रफ सीन आता है तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं बंद करो सॉन्ग, बंद करो, मम्मी आ जाएगी, बहन आ जाएगी, ऐसा क्यों? मैंने अपने फिल्म में यही दिखाया कि हमारी पूरी फिल्म में कहीं भी अश्लीलता नहीं है। कोई भी माँ बहन देखेगी तो इस फिल्म को पसंद करेगी, और जो माँ ये सोचती है कि बेटा होता है तो यह है, बेटी होती है तो यह है, बस सर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उस माँ और उस बहन को कि ए माँ तू भी किसी की बेटी है, ए माँ तू भी किसी की बेटी है, यदि तेरे जगह पे, यदि जो तेरे को जन्म दिया है वो भी तेरे जैसा ऐसा सोच लेता तो तू भी इस दुनिया को नहीं देख पाते। तो
तो जब तुम्हें दुनिया देखने का हक है माँ, क्योंकि तू भी एक रूप में माँ है, तू ही बहन है, तू ही पत्नी है, सब दर्जा तो तेरा ही है माँ, तो फिर एक माँ हो के एक माँ को मारना ये अच्छी बात नहीं है। ये गलत बात है। एक माँ हो के और जो बेटी या माँ जो भी फ्यूचर में वो माँ ही बनी, उनको मारना बहुत गलत बात है। और इनके साथ इस फिल्म में रोमांस करती नजर आएंगी निशा सिंह और कल्पना शाह, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनसे अच्छी इनकी डायरेक्टर लग रही है। कैमरा जूम किया जाए, ये आपको मेरे ख्याल से डायरेक्शन तो किया, आपको एक्टिंग में भी आना चाहिए। और कब रिलीज हो रही है ये फिल्म, हम जानना चाहिए। ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज कर रहे हैं, और कल मैंने एक फिल्म का मुहूर्त भी किया जिसमें जिस फिल्म का नाम है बोली और गोली। इस फिल्म में सर 5 हीरोइन है, जो मार्केट का मैं लूँगा इसका मैं नाम ओपन नहीं किया हूँ। 5 विलन है, जिसमें से 5 हीरोइन में से एक हीरोइन आपके सामने खड़ी है। वाह, मतलब डायरेक्टर के साथ साथ बन गई हीरोइन, मेरी कही बात सच हो गई। और उस फिल्म में सर उसका भी संदेश बहुत ही अच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी फिल्म जो भी आए हमारे बैनर तले कुछ हटके हो। तो कल मुहूर्त हुआ है भोजपुरी फिल्म बोली और गोली की, जिसमें राजेश भाई आएंगे और हीरोइन बन गई, मुबारक हो आपको, हीरोइन बन गई आप। और इसके साथ ही 14 जनवरी को रिलीज़ हो रही है गंगा समागली सागर में, तो मैं भी हम तीनों आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग ये फिल्म सिनेमाघरों में ज़रूर देखें, भले ही वो सिनेमाघर दूर हो, लेकिन आप जरूर जरूर जाके देखें। थैंक यू।